आखिर कौन सी फिल्म थी पहली कंटेंट ड्रिवन फिल्म, किसने दिखाई खान्स को सही रहा और क्यों फेल होगा खान्स का जलवा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई और खास वीडियो में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम आपसे सवाल करते हैं, आप हमें बताइए कि हिंदी सिनेमा आखिर क्या है, या कमर्शियल सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा में क्या अंतर है। अब आप तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा अपना जवाब, फिर हम भी इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देते हैं और जान लेते हैं कि आपकी और हमारी क्या ट्रेनिंग है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पहले बॉलीवुड में सिर्फ कमर्शियल फिल्में बनती थी जिसमें मसाला फिल्में और पारिवारिक फिल्में आती थी, लेकिन दोस्तों आज कंटेंट की तरफ जो झुकाव है उससे आइडिया इज द किंग वाली बात जरूर सच हो जाती है। अगर कोई फिल्म बढ़िया तरीके से शुरू होती है, उसका आइडिया नया और ओरिजिनल होता है, तो चांसेस बहुत हाई है कि वह फिल्म चलेगी। कंटेंट से घिरी फिल्मों की खासियत है कि वो एक बड़े नंबर में ऑडियंस को अपील करती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत तब हुई जब अनुपम खेर अपनी फिल्म खोसला का घोसला लेकर आए थे। फिल्म समय से बहुत आगे की कहानी थी जिसने सिनेमा को एक अच्छी कंटेंट की ओर का रास्ता दिखाया। दोस्तों छोटे से बजट की इस फिल्म में कोई और बड़ा स्टार नहीं था, लेकिन तब भी इसने अच्छा काम किया। उसके बाद भेजा फ्राई, वेंसडे, विकी डोनर, लंच बॉक्स, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों ने भी जबरदस्त काम किया, जबकि उसमें भी कोई बड़ा स्टार नहीं था। हालांकि दोस्तों सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान जैसे स्टार्स की बजरंगी भाईजान, रंग दे बसंती और चक दे इंडिया ने भी बढ़िया बिजनेस किया है। वहीं दोस्तों स्टार्स से सजी जीरो, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और ट्यूबलाइट जैसी कमर्शियल फिल्में ऑडियंस को अट्रैक्ट ना कर पाई। मतलब साफ है कि फिल्म में कोई खान ही क्यों ना हो, उसमें चाहे कितने ही आइटम सॉन्ग्स क्यों ना हो, अगर फिल्म में कंटेंट नहीं है तो वो नहीं चलेगी। अरे दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि सलमान खान इन दिनों 1996 में आई फिल्म मजदार के रीमेक को लेकर काफी चर्चा में है। वो इस फिल्म का रीमेक बना रहे हैं और वो भी 90s के स्टार के साथ जिसमें करिश्मा कपूर भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म के डायरेक्शन के लिए मनीष शर्मा का नाम भी फाइनल कर लिया है। लेकिन दोस्तों ये कमर्शियल फिल्म थी जो उस समय फ्लॉप रही थी। लेकिन दोस्तों इस बार सलमान की फिल्म को हिट बनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, जिसके लिए उन्हें स्टोरी को भी आज के समय में ढालना होगा। अब सवाल फिर से वही है कि क्या इस बार फिल्म काम करेगी और आखिर क्यों सलमान पुराने जख्मों को रोंद रहे हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए दोस्तों थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, हमारी आज की राइटिंग है।